जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा ही एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे, एक ही वीडियो में पूरा इसका निचोड़ देख लेते हैं, फिर दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से कि संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया। पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया, तो यह है 2 सितंबर 1959। 2 सितंबर 1959 को यह पारित हुआ। कहाँ से, तो राजस्थान के नागौर जिला से। ठीक। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को, जिन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना भारत में की, प्रयास किए। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो बलवंत राय मेहता समिति ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय संघ व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। तो यह है पंचायती राज व्यवस्था से। किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ या शुरुआत कहां से किया गया था। तो शुरुआत इसका राजस्थान से किया गया था, पहले ही बता चुके हैं, राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता का संबंध किससे है। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, तो अशोक मेहता समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से ही है। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय व्यवस्था दिए थे, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का यह प्रावधान दिए थे। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी। तो बलवंत राय मेहता समिति बनी ऑप्शन है 1958, 1970, 1957 और 1954। तो ये 1957 में बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था। तो अशोक मेहता समिति का गठन इसके 20 साल बाद 1977 में किया गया। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिए, द्विस्तरीय में ग्राम स्तर और खंड स्तर नहीं होना चाहिए, वह जिला स्तर पर चलेंगे। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कैसे व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने कैसी व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो सिफारिश किए थे त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम लेवल पर, प्रखंड लेवल पर और जिला लेवल पर। नेक्स्ट है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित था। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो पंचायती राज से संबंधित था, तो ये 73वां संविधान संशोधन जो था 1992 में हुआ था, ये पंचायती राज से संबंधित था। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां कौन कौन सी थी। तो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, जीवी के राव को राव समिति के नाम से भी जाना जाता है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी समितियां पंचायती राज हेतु ही लाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु 21, 35, 18, 25। तो इसका न्यूनतम आयु 21 वर्ष बनना चाहिए, लेकिन वो वोट देने का अधिकार हमको 18 वर्ष में हो जाता है, लेकिन इसका सदस्य बनने के लिए हमको उम्र होना चाहिए 21 वर्ष। ठीक। नेक्स्ट है कि पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है। पंचायतों की अवधि जो होती है वो ऑप्शन है 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया, किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। तो ये अस्तित्व में आया 25 अप्रैल 1900
अधिनियम है तो 93 को, 25 अप्रैल 1993 को आया। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है, तो भाग हो जाएगा इसका ऑप्शन है भाग 4 भाग 6 भाग 9 भाग 8। तो ये भाग 9 जो है पंचायतों से है और ग्राम पंचायत से है भाग 9। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो पंचायती राज का है ऑप्शन है अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन अनुसूची 11 में है, किसमें है 11 अनुसूची में पंचायती राज है। ठीक, नेक्स्ट है कि पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया है, पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया है, तो पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषय को रखा गया, कितना विषय 29 विषय, वहीं नगर पालिका में 18 विषय को रखा गया, कितना 18 विषय को रखा गया, और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में पंचायती और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। पंचायत के कितने स्तर होते हैं, तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं, कितने 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वही राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 को इसी ने इन्होंने ही लागू किया था। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ऑप्शन है केंद्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची। तो जो पंचायती राज जो है ये राज सूची का विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, अगर वहीं कभी इसमें विवाद हो जाए तो राज सूची पर केंद्र भी कानून बना सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। नेक्स्ट है कि पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य, तो पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, कौन है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है, तो भाग 9 के क, भाग 9 है किससे पंचायती राज से, और भाग 9 का जो क है वो नगर पालिका से है, किससे है नगर पालिका से है। नेक्स्ट है कि चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू है, तो चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, हरियाणा, तो ये पश्चिम बंगाल में लागू है, कहाँ है पश्चिम बंगाल में लागू है, किस राज्य में लागू है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि पंचायती चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, पंचायती चुनाव में, पंचायती चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये है राजस्थान, प्रथम राज्य राजस्थान है और दूसरा कौन है हरियाणा, ऐसा तो पूरा देश में होना चाहिए लेकिन राज्य जो किया है बहुत अच्छा काम किया है, शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला देश है, देश का पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा हरियाणा, पहला राजस्थान, अगर दूसरा पूछे तो हरियाणा। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में कौन सा जो वंश था स्थानीय स्वशासन के लिए प्रचलित था, तो यह है चोल राजवंश, कौन था चोल राजवंश। नेक्स्ट है कि प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां हुई थी, प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां हुई थी, तो प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास 1687, चेन्नई, जिसको अभी चेन्नई के नाम से जानते हैं, तो यह 1687 में हुआ था, प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां हुई थी 1687 में मद्रास में। कुछ समितियां देख लेते हैं एक जगह जो याद करने में हम लोग को सुविधा होगी, तो नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति कब आया, तो 1957 त्रिस्तरीय स्तर पर आया, त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिए। दूसरा है अशोक मेहता समिति, ये 1977 में आया, ये द्विस्तरीय दिए, क्या दिए द्विस्तरीय दिए। नेक्स्ट है कि जी वी के राव समिति ये चार स्तरीय सुझाव दिए थे, ये कब आया 1985 में, जी वी के राव समिति चार स्तरीय सुझाव दिए, ये कब आया 1985 में। नेक्स्ट है कि एम एल सिंघवी समिति अपना सुझाव कब दिए, ये 1986 में दिए थे, कब दिए थे 1986 में दिए थे। नेक्स्ट है पी के थुंगन समिति, ये कब सुझाव अपना दिए, तो ये सब 1988 में, और ये जितने समिति है सब स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंचायत पुरस्कार, ई पंचायत पुरस्कार 2022 कौन राज्य जीता है, तो ये कर्नाटक जीता है, ये
क्षेत्र वन में जीता है, इसमें दो क्षेत्र बांटा गया है, और दूसरा क्षेत्र में त्रिपुरा जीता है। प्रथम पुरस्कार त्रिपुरा उसमें जीता है और पहला में कर्नाटक जीता है। 24 अप्रैल 2022 को 13वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल 2022 को 13वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है, तो वर्तमान में पंचायती राज मंत्री है गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।